हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी इन हिंदी 5M में आपका स्वागत है। आज की रमज़ान स्पेशल में हम बनाने जा रहे हैं इफ्तार के लिए कुछ स्पेशल, तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है एक छोटा बाउल मैदा और हमने ले लिया है एक बड़ा बर्तन। इसमें हम लोड देते हैं मैदा। मैदा को हमने बड़े बर्तन में कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। ये हमने चम्मच का एक चौथाई भाग लिया है और आधा चम्मच हमने ले लिया है अजवाइन। इसे हमें हाथ में क्रश करके डालना है। तरीके से हमने इसे क्रश करके डाल दिया है और एक चम्मच हमने ले लिया है ऑयल। इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे बिना किसी पानी डाले। अभी हमें इसे मिक्स करना है। ऑयल को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमने इसे इस तरीके से मिला दिया है कि इसमें मुट्ठा बन जाना चाहिए। अब हमें इसे पानी से मिक्स करना है। पानी हमें थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करना है ताकि ये पतला नहीं हो जाए। इसी तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरीके से गूंद लेना है, लेकिन इसे हमें टाइट ही गूंदना है। मैदा को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं ताकि ऊपर से टाइट नहीं हो। अब हम एक ढक्कन से इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। मैदा तो हमारी अच्छे से गूंद चुकी है। अब हमने ले लिए हैं ये चार आलू और इसको हमने अच्छे से बॉयल कर लिया है और इसे अच्छे से मैश भी कर लिया है। हमें इसे बारीक मैश करना है बिल्कुल। और एक बड़ा बर्तन लेकर हमें उसे आलू को इसमें डाल देते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम सबसे पहले अमचूर पाउडर। ये हमने एक चम्मच ले लिया है। एक चम्मच हमने ले लिया है किचन किंग मसाला और एक चौथाई चम्मच हमने ले लिया है काला नमक। तीनों चीज़ों को हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, जो आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। अब हमने ले लिया है लाल मिर्च, ये आधा चम्मच लिया है हमने। अब हमने ले लिए कुछ हरे धनिया की पत्ती और इसे भी इसमें हम ऐड कर देते हैं। इसे हमने छोटा छोटा कट कर लिया है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये स्टफिंग बनके हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैदा को हमने ढककर रख दिया था और अब हम ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसके दो पीस कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसके दो पीस कर लिए। इस तरीके से हम इसे लंबे आकार में कर लेते हैं और इसे हम छोटा छोटा कट कर लेंगे। मैदा के हमने छोटे छोटे पीस बना लिए हैं। अब हम इसे बेलेंगे। हमने इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है और अब हम इसे बेलेंगे। तो हमें गोल आकार देना है। अभी जो हमने आलू का मिश्रण तैयार किया था इसे हमें बीच में इसे रख देना है। आलू को हमने इस तरीके से बीच में रख दिया है और अब हम इसके छोटे छोटे पीस कट करेंगे इधर से। जितने पीस हमने इधर काटे हैं इतने ही हम उधर काटने हैं। अब हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इसके जो पहला स्टेप है इसे इस तरीके से मोड़ना है। इस तरीके से हमें एक एक स्टेप को उठाते रहना है और इसे इधर से इधर को चिपकाते रहना है। और इसी तरीके से हमें सारे समोसों को बना लेना है। सारी कचौरियाँ हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब हमें इसे करना है फ्राई। तो हमने ले लिया है कढ़ाई में ऑयल और इसे अच्छे से हमने गर्म कर लिया है। अब एक एक करके हम इसे इसमें डाल देते हैं। ऑयल को हमें हल्का ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। पहले हमने ऑयल को तेज़ कर लिया था, अब हमने इसकी लो को बिल्कुल हल्का कर दिया है फ्लेम को। अब इसे धीमी धीमी आंच पे सिकने देना है ताकि ये अंदर तक से पक जाए। अब एक दो मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक साइड से हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे पलट देते हैं। धीरे धीरे हमें इसे पलटना है और आंच को हमें धीमी ही रखना है। अब दो तीन मिनट के लिए हम इसे यहीं ऐसे ही छोड़ देते हैं। कचौरी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, उनका हल्का गोल्डन कलर आ चुका है और अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो सारी कचौरियाँ बनकर हमारी रेडी हो चुकी हैं और हमने कुछ गोल आकार में भी कचौरियाँ बनाई हैं। आप अपने मनपसंद शेप इसमें दे सकते हैं और इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। हमने इसे खट्टी और मीठी चटनी के साथ बना लिया है। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।